हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक बरमानी। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी का न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको अच्छे से हम एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर पाए, ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर पाए, इसलिए अकाउंटिंग की जाती है। सो दैट जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका हमारे पास एक अच्छा रिकॉर्ड हो, ओके, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उन सब ट्रांजैक्शंस का हमारे पास रिकॉर्ड हो। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का कि अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो ये तो जानना चाहेगा ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर ईयर में, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कितना लॉस हुआ। तो इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है कि जो एक बिजनेस है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये हम जान पाए, ओके। इसलिए क्या किया जाता है कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड दिखाया जाता है एंड जो हमारी इनकम जनरेट होती है उनको क्रेडिट साइड शो किया जाता है अकाउंट के, एंड इससे जो डिफरेंस आता है, ओके, उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा बिजनेस हम रन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ओके। सो इसको जानने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कितना लॉस हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं अकाउंटिंग करते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ओके, फाइनेंस कितना है बिजनेस के पास, मीन्स की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है। सो इन सबको जानने के लिए क्या किया जाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट में क्या होता है, हम एसेट्स शो करते हैं एंड अदर साइड हम कैपिटल एंड लायबिलिटी शो करते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल हैं एंड कितने हमारी लायबिलिटी है जो हमें अभी पे करनी है एंड कितने हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड है, ओके। सो इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। सो अदर वन ऑब्जेक्टिव इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं इससे हमें पता चलता है कि जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं, ओके, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, ओके, जो हमारे एम है वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे। इसके अकॉर्डिंगली जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं उसको देख के हम बजट बना सकते हैं कि हमारे बिजनेस में वहां पर कितना कैपिटल है, ओके, कितने वहां पर फाइनेंस है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके, बजट हम सेट कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। सो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग क्यों की जाती है कि हमारे पास, हमने कहा हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। सो जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ओके, जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो अल्टीमेटली उसमें कौन इंटरेस्टेड रहते हैं, यूजर्स, इंटरनल यूजर्स हो या एक्सटर्नल यूजर्स हो। सो उन यूजर्स को, ठीक है, प्रोवाइड कर पाए हम हमारे जो बिजनेस जो हम रन कर रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, ओके, कि कैसे हम बिजनेस रन कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितने हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है। सो इन सब को शो करता है हमारा जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो, ओके। सो इसलिए प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स मींस कि जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसको हम यूजर्स को दिखा पाए। अगर कोई पर्सन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ऐसे तो नहीं कर लेगा, वो देखेगा तो सही हमें प्रॉफिट अर्निंग होती भी है या नहीं होती है, तो नहीं लॉस में जा रहा है हमारा बिजनेस। एंड जो हमारी फाइनेंशियल पोजिशन है, मीन्स जो हमारे एसेट्स हैं बिजनेस के, लायबिलिटी है, कैपिटल है, वो कितनी है। सो यूजर कोई भी होगा इन्वेस्ट ऐसे तो नहीं करेगा। सो इन सबको देखने के लिए जो यूजर्स होते हैं कि हमें वो यूजर्स इन्वेस्ट करें या ना करें, ओके, एंड इंटरनल यूजर्स लाइक इम्प्लॉयज, सो वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे अकाउंटिंग में। सो इसलिए क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है कि जो बुक्स जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो हम डिफरेंट यूजर्स को दिखा पाए, ओके। सो सिक्स्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। कि जो हम बिजनेस में हमने एसेट्स यूज कर रहे हैं, हम जितने हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं उसको हम क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, ओके। अब जो एसेट्स होती है बिजनेस की वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एसेट्स कौन सी हो गई, कैश, डेटर्स, ओके, स्टॉक कितना है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। सो ये सब क्या है, फायदे की चीजें हैं बिजनेस के लिए। तो इन हमारे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल हैं एंड उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि हमारी जो एसेट्स हैं वो ज्यादा बढ़े,
कम ना हो, ओके सो उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए एसेट्स को, इसलिए भी क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। सो आज हमने डिस्कस किए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के, आई होप आपको समझ आया होगा, बट फिर भी अगर किसी भी पॉइंट में अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइम में उन वीडियोस को देख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।